हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज थोड़ा मैं घूमने जा रहा हूँ। अभी मैं आया था ड्यूटी पर, इलेक्शन ड्यूटी पर आया था, तो ऐसे थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ असम में, असम का जो डिस्ट्रिक्ट है डिमा हासाओ, वहाँ पर हूँ। वहाँ का एक जगह है, जो प्लेस है, जिसका नाम है उमरांगसू। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सुंदर जगह है, गुहा है, हम लोग भी नहीं गए, सुने हैं। तो अभी जा रहा है हम लोग सभी मिल के मेरा दोस्त लोग के साथ। तो देखते रहिए आप लोग पूरा वीडियो, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। इसका एक नज़ारा आप लोगों को दिखा देता हूँ, जहाँ पर मैं अभी हूँ। तो ये है पूरा जगह, वीडियो दिया अपना फेमस। देखो ये है पूरा प्लेस है, देख सकते हैं। देखो ये कितना सुंदर प्लेस है। तो पूरा पहाड़ी इलाका है, तो इसीलिए और भी सुंदर लग रहा है देखने के लिए। ऑल इंडिया गाड़ी सामने फोन कर लो। ओटे जेटा की राम राम ये। अभी हम लोग आ गए बाहर, गेट के बाहर आ गए। तो अब लोग अभी पहले इसके अंदर थे हम लोग, देख सकते हैं लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है उसको बोलो, कोबिला हाइड्रो पावर स्टेशन, यहाँ पर है अभी हम लोग। तो अभी हम लोग मेन गेट की तरफ जा रहा है। इधर देखो इलेक्ट्रिक सामान बड़ा है। ये बाजार का रास्ता है, तो इधर से जा रहे होंगे, इधर से गाड़ी पकड़ के हम लोग जाएंगे। गाड़ी हम लोगों को पहले से ठीक किया हुआ है। जो लोग पहले इसका रेंट पाँच स्टॉप जाएंगे, पाँच हम लोग पाँच दोस्त जाएंगे। डीएपी पोटाश यूरिया सब इसका पूरा भरा आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों को भरा पड़ेगा 500 रुपए 600 रुपए पर हेड पड़ेगा। रिजर्व करके जा रहे हैं हम लोग, फिर जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो बने रहिए मेरा वीडियो पर। तो अभी ये है हमारा ऑटो, इस ऑटो में हम लोग जाने वाले हैं, जिसको हम लोग फ़ोन करके बुक किए थे। फ़ोन नंबर हम लोगों को जब मार्केट गए थे उस टाइम पे मिल गया था ऑटो वाला का नंबर, तो फ़ोन करके उनको बुला लिए थे। तो ये ऑटो वाला हमको लेके जाएगा, तो देखते रहिए आप लोग। तो फाइनली ऑटो हमारा छोड़ दिया है, तो देख सकते हैं ये रोड, इस रोड पर पहाड़ी रोड पर हमारा ऑटो जा रहा है। तो यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, तो आप लोगों को बीच बीच में मैं दिखाता रहूँगा वीडियो। तो ये हम लोग सब बैठा हुआ है यहाँ पर ऑटो पे, तो बैठ के जा रहे हैं, मज़ा ले रहा है। तो आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ, और मैं ब्लॉग वीडियो इतना बनाता भी नहीं हूँ। तो मेरा जो बात करने का तरीका है थोड़ा रुक रुक के आएगा, मैं जब बोलूँगा तो वो थोड़ा रुक रुक के आएगा, कुछ वर्ड भी इधर उधर हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग भी एडजस्टमेंट कर लीजिए, आगे जाके ये सब ठीक हो जाएगा। तो देखते रहिए आप लोग पूरा वीडियो मेरा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो आप जा सकते क्या उधर लेके? ओ कितना कितना दिया? 600 रुपये हमारा पार्टी क्या था? आपका कल का टाइम कल हम लोग उधर जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जंगल एरिया है। तो रास्ता भी इतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर अभी तक बनाया नहीं है, मिट्टी की रास्ता है, उसके ऊपर पत्थर बिछाया दिया गया है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने के लिए हम लोगों को। तो देखते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं पूरा चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। इसी रास्ते में जाने से हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल हवा मिल रहा है, बहुत खूबसूरत हवा।
तो आप लोग भी अगर यहाँ पर आना चाहते हैं घूमने के लिए तो आ सकते हैं। आप लोगों को सबसे पहले अगर ट्रेन में आ रहे हैं तो आप लोगों को लोंका स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप लोगों को बस पकड़ भी या किसी गाड़ी छोटा गाड़ी पकड़ के आप लोगों को उमंगसू आना पड़ेगा। उमरांगसू, तो उमरांगसू पे आप लोगों को यहाँ पर जाना पड़ेगा। उमरांगसू बाजार से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर है। तो अभी आप लोगों को एकदम जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, ये है लोकेशन, देख सकते हैं। इसी रास्ते से हम लोग आए हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना सुंदर नज़र है असम का पहाड़। असम मतलब यह है पहाड़ से भरपूर। इधर से जाना पड़ेगा क्या? देखो कितना पूरा पहाड़ पत्थर से भरा पूरा है एकदम से। नीचे खाई। ओ ये देखो इधर देखो इधर देखो ये देखो पूरा पेड़ को देखो, ये अलग अलग का तरीका, ये इधर से उधर उधर से उधर क्या क्या लगाया है, ये तो कैमरा कर रहा है पूरा। नीचे पूरा खाई है, पूरा खाई देख सकते हो, पूरा खाई है। यार लगता है कहाँ आ गए हम लोग। अब ये क्या पुल आ गया, पक्का का पुल है ये। मोगल ये देख सकते यहाँ पर, ये जो लकड़ी का पुल है, लकड़ी चलो जोरे चलो, लकड़ी देखो सुंदर लग रहा है देखने में पुल दोनों तरफ। जादू करो जादू सिम सिम भूखे रो माझा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे निशान भी दिखने को मिलेगा पहाड़ी में, देख सकते हैं। पता नहीं अभी पूछेंगे ये निशान किसलिए है। तो फाइनली हम लोग आ गए, देख सकते हैं लिखा है यहाँ तुलाराम, जिसका नाम है तुलाराम है, तुलाराम कैफ गुफा। वाओ आजा आजा ফ্ল্যাশ দরকার লাগবে নাকি কি রে, ভিতরে যা ভিতরে যাওয়া যায় কি না? আদো तो पहली बात तो ये है हम लोगों को जाने के लिए डर रहा है, खासकर मुझे, क्योंकि अंदर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, गाइड भी नहीं है यहाँ पर, कोई आदमी भी नहीं है जिसको पूछे। तो ऑटो वाला भाई आया है, तो ऑटो वाला भाई बोल रहा है कि अंदर जा सकते हैं, तो देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। तो अब लोग भी चलिए, पता नहीं अंदर में क्या होगा कैसे होगा देखते हैं। ये गुहा जो है आदिम मानव ने बनाया है, सुना है, मतलब जो पहले का जो आदिम मानव है वो लोगों को बनाया हुआ गुहा है। तो इसीलिए हम लोग भी देखने के लिए आए हैं, कैसा है देखने के लिए आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ वीडियो के माध्यम से, आप लोग भी देखते रहिए। तो यहाँ पर तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया, कुछ नहीं है, मोबाइल के फ्लैश जला रहा है मेरा दोस्त, देखते हैं उसके बाद। फ्लैश जलाने के बाद ही मोबाइल का फ्लैश या तो टॉर्च लेके आप लोगों को आना पड़ेगा, देख सकते हैं एकदम पूरा अंधेरा है। यहाँ इलेक्ट्रिक वायर भी लगा हुआ है यार, कुछ दिखाई नहीं देता, चारों दिशा कहीं इधर भी गया है उधर भी गया है। तो इतना अंधेरा है कि मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग टॉर्च भी लेके नहीं आया, हम लोगों को पता भी नहीं था यहाँ पर इतना अंधेरा हो सकता है। लेकिन लाइट का व्यवस्था है, देख रहा है लाइट दिया हुआ गया है, लेकिन तार का भी व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर कोई भी
लाइट नहीं है, तो इसीलिए इतना अंदर आया कि मोबाइल की फ्लैश जितना दिखा रहा है उतना ही दिखा रहा हूँ आप लोगों को। और साथ ही साथ ये पूरा भूल भुलैया जैसा टाइप है, चारों तरफ गुहा, मतलब चारों तरफ रास्ता है, ऐसा सुरंग है, मतलब पता नहीं कौन सी रास्ते में जाएंगे, खो ना जाए इसी का डर है। तो इसीलिए ज़्यादा दूर देर तक यहाँ पर रुकेंगे नहीं, तो निकल जाएंगे, ज़्यादा दूर तक जा भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर गाइड नहीं है। पता नहीं अंधेरा में क्या मतलब आगे जाके क्या मिलेगा, कैसा होगा ये भी पता नहीं है। तो इसीलिए आप लोग भी ऐसे ही देखते रहिए अंधेरे, मतलब थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है वो भी हम लोग देखते रहिए। तो अभी आप लोगों को और एक बार लास्ट टाइम दिखा देता हूँ, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई पाएंगे आप लोग, देख नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग रिटर्न होने वाले हैं, यहाँ पर है ही नहीं कुछ और दिखने को, बस यही है दिखने का। तो अभी हम लोग रिटर्न होने वाला है, हम लोग बाहर निकल जा रहे हैं, देख सकते हैं पूरा आगे थोड़ा दिखाइए, ये आ गया गेट आ गया, पहले निकल जाता हूँ या। तो ये दूसरा रास्ता था बाहर निकलने का, और जाने वाला इधर से गए थे हम लोग, ये बनावटी है और ये नेचुरल, ये नेचुरल है, पहले ये था उसके बाद उसको लकड़ी से बनाया, सीढ़ी बनाया। तो अभी फाइनली हम लोग बाहर आ गए, तो बाहर का नजारा और एक बार दिखा देता आपको पूरी तरह से। ठीक है,